भारतीय तोपों ने ढाया कहर, पाकिस्तान के 10 जवान और 35 आतंकी ढेर हुए। कुल मिलाकर 2 जवानों की शहादत और 1 नागरिक की मौत का बदला भारत ने ले लिया। सेना प्रमुख जनरल रावत ने कहा, पाकिस्तान फायरिंग का बहुत कड़ा जवाब दिया है, कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए। नीलम तथा लीपा घाटी में मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद तथा हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जाते हैं। कुल मिलाकर भारत की अभी तक की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। भारतीय सेना ने 4 साल में तीसरी बार पराक्रम दिखाते हुए रविवार को पाकिस्तान पर फिर से करारा प्रहार किया। पाकिस्तान सेना की अकारण गोलीबारी में 2 जवानों के शहीद होने और 1 नागरिक के मारे जाने का बदला लेते हुए 10 पाकिस्तान जवान तथा 35 आतंकियों को मार गिराया गया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना शनिवार रात से ही तंगधार में गोलीबारी करके भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इसी दौरान एक मोर्टार सैन्य चौकी के पास पटने से 2 जवान शहीद हो गए। पहले वे घायल हुए, उसके बाद शहीद हो गए। शहीद जवानों की पहचान हवलदार पदम बहादुर श्रेष्ठ और राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठ के रूप में हुई है। इस गोलीबारी में 1 नागरिक मोहम्मद सादिक की भी मौत हुई थी, जबकि 3 अन्य नागरिक घायल हुए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 मकानों के तबाह होने के साथ ही 50 मवेशी भी मारे गए। इसके बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। पीओके में कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए, 6 से 10 जवान मारे गए और बड़ी संख्या में आतंकी कैंप नष्ट कर दिए गए। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सैन्य कार्रवाई के सिलसिले में पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी। उन्होंने कहा, अथमुकम जूरा कुंदलशाही में हमने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की गोलीबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है, हमने उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। रावत ने पाकिस्तान के इस दावे को भी झूठा बताया कि उसने 9 भारतीय सैनिकों की जान ली। जनरल रावत ने कहा, हम अपनी जवानों की शहादत का सम्मान करते हैं, पाकिस्तान सेना की तरह उसे छिपाते नहीं। रावत ने पाकिस्तान को फिर नए सिरे से चेतावनी दी है कि उसकी इस हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर में शांति का माहौल न बनने दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया जा सके कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है। इधर कांग्रेस ने भी आतंकी शिविर नष्ट करने पर सेना की प्रशंसा की है। कांग्रेस ने सीमा पार आतंकी शिविरों को नष्ट किए जाने पर भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें सशस्त्र बलों की वीरता पर गर्व है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को ट्वीट करके पाकिस्तान की बिना उकसावे के फायरिंग के जवाब में की गई भारतीय सैन्य दलों की जबरदस्त कार्रवाई की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बहादुर भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकी शिविर को नष्ट करने की दिशा में एक जबरदस्त अभियान छेड़ा है। हमें आपकी वीरता और साहस पर गर्व है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।